अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी अपडेट्स कराची और मैं हूं अब्दुल मुईज। भाई नाजमाबाद नंबर 3 में मौजूद हैं। ब्लॉक एच का एरिया है, 216 गज का प्लॉट है। एक फ्लोर पे दो पोर्शंस बने हुए हैं, जिसमें से फोर्थ फ्लोर का मैं आपको पोर्शन दिखा रहा हूं, जो कि पेंट हाउस है विथ रूफ। टेरिस भी है और रूफ भी है। मेन एंट्रेंस मेरे सामने है, सबलीज पोर्शन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसकी मेन एंट्रेंस एंटर हुए और एंटर होते ही सबसे पहले सामने इसका लाउंज है। लाउंज का साइज़ आप देख सकते हैं, तकरीबन 120 गज़ आप कह सकते हैं इसका कवर्ड एरिया, जिसमें से टेरेस कुछ हिस्सा इसका खुला हुआ है। बाकी 2 बेड ड्राइंग लाउंज ये बना हुआ है। लाउंज आप देख सकते हैं, माशाल्लाह डाइनिंग टेबल भी रखी हुई है, उसके बाद भी काफ़ी स्पेस है। तकरीबन 5 से 6 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन है, सब लीज़ हुआ हुआ है। चौथा फ्लोर है छत के साथ, फैंसी फोर सीलिंग और अच्छी हैवी फोर सीलिंग हुई भी है लाउंज में। मार्बल फ्लोरिंग है। सबसे भाई जो इसकी अहम बात है वो ये है माशाल्लाह से कि ये वेस्ट ओपन भी है, प्लस ये सबलीज भी हुआ हुआ है, और प्लस ये कि यहाँ पे भाई 24 घंटे जो है वो मीठा पानी माशाल्लाह से मौजूद है। तो आप ये देख सकते हैं, ये इसका लाउंज आ गया। लाउंज में डाइनिंग टेबल रखी हुई है, उसके अलावा भी स्पेस अच्छा खासा मौजूद है। घर बहुत ही साफ़ सुथरा, वेल मेंटेन है और बेहतरीन कंडीशन के अंदर। दरवाजे भी जो है उन्होंने अच्छे वाले लगाए हुए लकड़ी के। ये इसका पहला बेडरूम, धूप हवा के लिहाज से बेहतरीन है माशाल्लाह माशाल्लाह, हवा बेहतरीन चल रही है, वेस्ट ओपन है। और ये बेडरूम का साइज़ आप देख सकते हैं, बेहतरीन साइज़ है माशाल्लाह। फर्नीचर इनका आराम से आया हुआ है, इसमें फोर सीलिंग भी अच्छी खूबसूरत हुई हुई है। फ्रंट साइड पे जो है भाई इसका टेरेस दिया हुआ है ड्राइंग रूम के साथ, और बैक साइड पे छोटा वॉशिंग एरिया है। तो पहले मैं आपको इसका अटैच वॉशरूम दिखा देता हूँ। वॉशरूम भी खुले खुले सही अच्छे बने हुए हैं, सैनिटरी अच्छी लगी हुई है, सीपेज सीलिंग वगैरह कुछ नहीं है। और आप देख सकते हैं मीठे पानी की वजह से इनकी सैनिटरी जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी अच्छी है, और अगर बोरिंग का पानी होता है तो उससे सैनिटरी ख़राब होती है। ये आप देखें, छतें बिल्कुल साफ़, कोई सीपेज नहीं है, कुछ नहीं है। और मीठा पानी जो है ना भाई वो सबसे बड़ी इस टाइम नेमत है। कराची में पानी का मसला चल रहा है, 24 घंटे मीठा पानी मौजूद है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लोड शेडिंग यहाँ पे नहीं होती। गैस के इसके अपने सेपरेट मीटर हैं, बिजली के सेपरेट मीटर हैं। ये इसका बैक साइड पर वॉशिंग एरिया दिया हुआ है, यहाँ पर आप गीज़र लगा सकते हैं, इसके अलावा कपड़े वगैरह सुखा सकते हैं। कपड़े सुखाने के लिए तो छत भी है, टेरेस भी है, लेकिन ये बैक साइड से भी खुला हुआ है, स्पेस आप देख सकते हैं। हवा का यहाँ से भी रुख माशाल्लाह है, और अच्छी जो है पीछे ओपन स्पेस है। ये भाई बेडरूम इस तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी हम चलते हैं और आपको इसका जो है वो दूसरा बेडरूम भी दिखाते हैं। भाई जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, सबसे पहले मैं उनको वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ, चैनल पर आने का शुक्रिया। अगर आप लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये इसका दूसरा बेडरूम आ गया। वॉशिंग एरिया का रास्ता इस बेडरूम से भी दिया हुआ है, दोनों कमरों में वॉशिंग एरिया का रास्ता मौजूद है, किसी भी कमरे से आप यूज़ कर सकते हैं। फोर सीलिंग अच्छी खूबसूरत हुई हुई है माशाल्लाह। और अब मैं आपको इसका अटैच वॉशरूम दिखा रहा हूँ। भाई मीठा पानी जो है ना वो 24 घंटे है, ये एक बहुत अच्छी बात है, और लाइट भी 24 घंटे है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हर लिहाज से जो है वो ओके पोर्शन है बिल्कुल। नाजमाबाद नंबर 3 ब्लॉक एच का एरिया है, नाजमाबाद नंबर 3 ब्लॉक एच इसकी लोकेशन है। अगर आप इस पोर्शन को विज़िट करना चाहते हैं तो फैमिली के साथ विज़िट कर सकते हैं। हमारे ऑफिस की जो लोकेशन है वो अब्बासी शहीद हॉस्पिटल वाले रोड पे, आप थोड़ा आगे आएंगे रेलवे ट्रैक क्रॉस करेंगे तो उल्टे हाथ की दूसरी गली में है सलमान प्रॉपर्टी मूवर्स। अल्पाइन जिलेटो फेमस जो है वो जगह है, उसके जस्ट ऑपोजिट है मक्का होटल के बराबर में, सलमान प्रॉपर्टी मूवर्स, वहाँ पे आप आ सकते हैं। आने से पहले कॉल कर लें, व्हाट्सएप कर लें, नंबर पे रابطہ करें, और आने से पहले भाई रابطہ जो है वो ज़रूर करें। कुछ लोग जो है वो अचानक ऑफिस पे आके जो है कहते हैं कि भाई हम आ गए, तो विज़िट के लिए पहले से टाइम लेना पड़ता है। ड्राइंग रूम का साइज़ देखें कितना अच्छा दिया हुआ है। ड्राइंग रूम के 2 दरवाजे हैं, इधर अंदर से घर के अंदर से भी दरवाज़ा है। राइट हैंड साइड पर इसका टेरिस है, ये टेरिस आप देख लें माशाल्लाह, टेरिस में से सीढ़ियाँ जा रही हैं छत के लिए, और मार्बल फ्लोरिंग हुई हुई है बेहतरीन माशाल्लाह। और इधर भी जो है ना ये गली गैलरी मौजूद है, और इसमें विंडो भी है, और हवा इतनी प्यारी माशाल्लाह है कि मैं आपको क्या बताऊं। वेस्ट ओपन है और बड़ा बेहतरीन पोर्शन है भाई। फाइनल फाइनल जो है ये 85 लैक्स में देना है,
85 लाख रुपए इसकी फाइनल प्राइस है। मार्बल फ्लोरिंग है, चौथा फ्लोर है छत के साथ, नाजमाबाद नंबर 3 ब्लॉक एच, 24 घंटे मीठा पानी, वेस्ट ओपन, सब लीज्ड विथ रूफ। और अब रूफ पे हम आ चुके हैं, छत पे आ गए हैं, आपको अब छत के मनाजिर दिखाते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप इस पर कॉल कर लें, व्हाट्सएप कर लें और इस पोर्शन को आप इजीली जो है फैमिली के साथ विज़िट कर सकते हैं। छत पे इन्होंने खरगोश मुर्गियाँ पाली हुई हैं, ये काफ़ी जो है माशाल्लाह भाई प्यारे प्यारे खरगोश यहाँ पे वाइट मौजूद हैं। तो आप भी इस तरह छत पे छत को इस्तेमाल कर सकते हैं, बकरे पाल सकते हैं, सोलर सिस्टम लगा सकते हैं, इसके अलावा और बहुत ज़्यादा जो है बारिश का मज़ा ले सकते हैं। तो जज़ाकअल्लाह फॉर वॉचिंग।